लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोग हो सकता है ओल्ड वर्जन फ़ोन जो है यूज़ कर रहे होंगे जिसमें हॉटस्पॉट का फीचर तो होता है लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में ये ऑप्शन नहीं होता है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे चलाएं, यानी फोन से कंप्यूटर में नेट कैसे चलाएं। अभी मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरीके से जो है आप अपने मोबाइल डेटा को अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो आपको अपने मोबाइल डेटा को अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए जो है आप सिंपली से अपने मोबाइल पे आ जाओ और यहां पे आप नोटिफिकेशन बार में अपने मोबाइल डेटा को ऑन कर लो और यहां पे जो है हॉटस्पॉट को भी ऑन कर लो। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग हो सकता है ओल्ड वर्जन फोन जो है यूज कर रहे होंगे जिसमें हॉटस्पॉट का फीचर तो होता है लेकिन यहां पे नोटिफिकेशन बार में ये ऑप्शन नहीं होता है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा। तो सिंपली सेटिंग्स के अंदर जाओ और वहां पे आप इसको इनेबल कर सकते हैं। कैसे, तो देखो फोन सेटिंग्स के अंदर आ जाओ और यहां पे आपको दिख रहा है कनेक्शंस एंड शेयरिंग का। देखो मैं आपको बताता चलूं कि मैं जो है रियलमी का फोन यूज कर रहा हूं, हो सकता है आप किसी दूसरे ब्रांड का फोन यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा ऑप्शन आपको नाम थोड़ा चेंजेस दिख सकता है बट प्रोसेस सेम है ना। तो इसके अंदर आ जाओ, हो सकता है यहां पे आपको पोर्टेबल हॉटस्पॉट दिख रहा हो, खैर कोई बात नहीं, इसके अंदर आ जाओ एंड यहां पे मेरे केस में पर्सनल हॉटस्पॉट दिख रहा है। जैसे ही मैं इसके अंदर आऊंगा तो यहां पे पर्सनल हॉटस्पॉट दिख रहा है जिसको मुझे यहां पे इनेबल करना है ना। जस्ट इसके नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा है पर्सनल हॉटस्पॉट सेटिंग्स, हो सकता है आपके फोन में सेटअप दिख रहा हो, डजंट मैटर। तो इसके अंदर आ जाओ एंड यहां पे आपको पासवर्ड दिख रहा है, तो सिंपली से आपको इस पासवर्ड को कहीं पे लिख लेना है या फिर याद रख लेना है, ठीक है। चलो अब हमारा जो है काम यहां से कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे, है ना। तो यहाँ पे आपको जो है एक नेटवर्क का आइकन दिख रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है अपने वाईफाई को ऑन करना है। जब यहाँ पे आप वाईफाई ऑन करेंगे तो सारा नेटवर्क्स का जो है लिस्ट यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा, तो जो भी आपके फ़ोन का वाईफाई होगा वो उसको यहाँ पे चूज़ करना है और उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है वहाँ से आपने जो पासवर्ड को लिखा था उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको डाल देना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कनेक्टिंग हो रहा है और सक्सेसफुली ये जो है कनेक्ट हो चुका है, है ना। तो मैंने सक्सेसफुली जो है अपने मोबाइल को जो है अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है। अब ये कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं, इंटरनेट वर्क कर रहा है या नहीं, मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने गूगल सर्च किया तो देख सकते हो सक्सेसफुली यहाँ पे गूगल ओपन हो गया है और यहाँ पे मैंने youtube.com सर्च किया है तो ये भी ओपन हो गया और यहाँ पे कंप्लीटली जो है YouTube भी ओपन हो चुका है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो है पहला पार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया है कि वायरलेसली आप किस तरीके से जो है यानी कि बिना किसी वायर के आप अपने मोबाइल को जो है मोबाइल के इंटरनेट को जो है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका एक दूसरा पार्ट मैं लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से जो है आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं वायर के थ्रू यानी USB केबल के थ्रू, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आपका कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। और हां, यहां पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जो भी आपको जानना है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।